गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द लेसन द टाइनी टीचर, द सेकंड पार्ट ऑफ टाइनी टीचर। यस्टरडे वी हैव रेड द फर्स्ट पार्ट, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन इज, लेट अस स्टार्ट। द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन एंट है वो सब जितनी भी पॉपुलेशन है कॉलोनी की, उसकी इंटायर, जो इंटायर पॉपुलेशन मतलब कंप्लीट जो पॉपुलेशन है उसकी क्या होती है, वो मदर होती है सभी की। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो लगभग 15 वर्ष तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसका जो विंग्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, एक जोड़ी उसका विंग होता है, पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन अपनी वेडिंग फ्लाइट के दौरान या उसके बाद उसको, वो वेडिंग फ्लाइट के बाद उसको खा जाती है या तोड़ डालती है। ठीक है, शी दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर डे, ये जो वेडिंग फ्लाइट होती है ये हॉट समर डेज में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और अ ड्रोन हाई अप इन द एयर। द क्वीन, जो रानी एंट होती है वो अपने नेस्ट को, अपने एंट हिल को छोड़ देती है, एंड गोज आउट और बाहर जाती है टू मीट अ मेल एंट और अ ड्रोन हाई अप इन द एयर, एयर में ऊपर मेल एंट से मिलने के लिए ऊपर जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। उसके बाद नीचे धरती पर आ जाती है, उसके जो पंख होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड उसके बाद आने के बाद धरती पर वो केवल जो एंट होती है वो एग्स ले करती है, केवल अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, एग्स में से हैच हो जाने के बाद ग्रब्स मतलब जो यंग वंस हैं वो बच्चे बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर्स एंट होती हैं उनको गार्ड करती हैं, रक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड, जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनको फीडिंग करते हैं। एंड क्लीन देम, और जो क्लीनर एंट होती हैं वो उनको क्लीन करती हैं, साफ सफाई का काम करती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, उनको प्रतिदिन एयरिंग हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, सनशाइन धूप के लिए ले जाती हैं। 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स कम्स बिकम कोकून एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। 2 or 3 weeks लेटर, 2-3 हफ्ते के पश्चात जो ग्रब्स होते हैं, यंग वंस होते हैं, वो कोकून बन जाते हैं एंड लाई विदाउट फूड, और बिना भोजन के और बिना एक्टिविटी के, बिना किसी गतिविधि के वो 2-3 हफ्ते तक ऐसे ही रहते हैं। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंट्स अपीयर। 2-3 हफ्ते के बाद क्या होता है, काकून जो है वो फट जाता है, उसमें ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और उसमें से एक परफेक्ट एंट अपीयर होती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब ये कंप्लीट एंट बन जाती है और अब इसकी टीचिंग और ट्रेनिंग का समय आता है। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। नई एंट्स जो होती हैं वो पुरानी एंट से, जो बूढ़ी एंट्स हैं उनसे सब काम सीखती हैं, जैसे वर्कर्स का, सोल्जर्स का, बिल्डर्स का, क्लीनर्स का एटसेट्रा आदि, जो भी काम वो करती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के पश्चात जो स्मॉल एंट्स हैं, जो ये टाइनी शिक्षक हैं, ये सब जो हैं रेडी हैं काम पूरे दुनिया में, मतलब अपने काम के संसार में जाने के लिए। एन एंट हिल इज मोर एंड एंट हिल इज होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, बीटल्स, लेसर्स, ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। ये जो एंट हिल है ये केवल एंट्स का ही घर नहीं होता, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, लेकिन कुछ अलग प्राणी भी होते हैं, दूसरे प्राणी भी होते हैं, जैसे बीटल्स है, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स है, या ग्रीन फ्लाई है, ये भी इसमें रहते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? क्यों चाहती हैं वो ants की, वो जो alien creatures हैं, जो विदेशी, जो unknown, अपरिचित जो creatures हैं, प्राणी हैं, वो उनके nest में, उनके घोंसले में या उनके घर में रहें। For several reasons, some give off smell pleasant to the ants. इसके कई कारण हैं कि कुछ जो जो creatures हैं, प्राणी हैं, उनमें से कुछ ऐसी जो खुशबू है या जो महक है वो आती है, वह प्लीजेंट टू एंट्स सेंसेस, जो एंट्स को बहुत अच्छी लगती है। अदर गिव स्वीट जूसेस, कुछ ऐसे जो ये क्रिएचर्स हैं वो स्वीट जूसेस रिलीज करते हैं जो उनके लिए यूजफुल हैं।
एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग लाइक कैट एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स. और कुछ जो ये क्रिएचर्स हैं ये ऐसे उनके लिए प्लेइंग पेट्स होते हैं, जैसे मनुष्य के लिए कुत्ते और बिल्ली होते हैं, लोग पालते हैं, उसी प्रकार ये जो क्रिएचर्स हैं ये एंट्स के लिए भी प्ले थिंग होती हैं. द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ. जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट्स की काउ होती है. ठीक है. द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद टचिंग ऑफ देयर एंटीना. जब एंटीना उनको टच करती है वो अपने, तो उनको एक हनी ड्यू की भांति उनको मिल्क मिलता है. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ. जैसे हमें काउ से मिल्क मिलता है ऐसे उनको ग्रीन फ्लाई से मिल्क मिलता है. हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज द एंट्स हैव. जो राइटर हैं वो कहते हैं कि क्या मनुष्य ने इन जो टाइनी टीचर्स हैं, जो ये छोटे छोटे शिक्षक हैं, एंट्स हैं, इनसे कुछ सीखा है. परहैप्स दे हैव. शायद उनसे सीख सकते हैं. बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज. दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर. इस छोटे से शिक्षक से बहुत कुछ अभी भी सीखा जा सकता है, जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. दे मे स्टिल लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम द दिस टाइनी टीचर सच एज हार्ड वर्क, मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, अपने कर्तव्य के प्रति का बोध होना, डिसिप्लिन अनुशासन, क्लीनिनेस साफ सफाई, केयर ध्यान रखना फॉर द यंग वंस छोटों का ध्यान रखना, एंड अबव ऑल और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. उस मातृभूमि के प्रति या उस स्थान के प्रति लॉयल रहना, वफादार रहना, ईमानदार रहना जहाँ वो रहते हैं. सो ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू दिस लेसन एंड रीड इट carefully and note down the difficult words. Thank you.